हेलो एंड वेलकम इन माय ब्यूटीफुल किचन और मैं हूं आपकी शेफ तरुणा बिरला। आज हम बना रहे हैं चिकी। चिक्की को वैसे बहुत सारे तरीके से आप बना सकते हैं, पर हम जो बना रहे हैं वो है हमारे डालिया के साथ, यानी कि चने की दाल के साथ। चने की दाल और कोकोनट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम चिक्की में देने वाले हैं। लेकिन सेम मेथड से आप पीनट वाली बना सकते हो, आप तिल के साथ बना सकते हो, आप ड्राइड फ्रूट्स के साथ बना सकते हो। जैसे भी आप इसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जो बेस है, जो गुड़ का हम जो एक सिरप बनाएंगे, वो सब में सेम रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को जो है मैंने ग्रेट करके लिया है। मैंने यहाँ पे सफ़ेद गुड़ इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो येलो गुड़ भी ले सकते हैं। और अभी इसको मेल्ट होने देंगे हम, कंटिन्यू चलाते रहना है, कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। जैसे ही थोड़ा ये मेल्ट हो जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें पकाना है। यहाँ पे जो है मैंने एक बाउल में पानी लेके रखा है, जो हमारा गुड़ है उसको चेक करने के लिए। जैसे ही गुड़ में जो बहुत अच्छे से बबल्स आने लगे, हम इसको थोड़ा सा ठंडे पानी में डालेंगे और 2 मिनट के लिए वेट करेंगे और देखेंगे कि एकदम कांच की तरह टूट जाना चाहिए। अगर ये चुई रहेगा तो नहीं चलेगा, बिल्कुल जो है ये एकदम कांच की तरह टूट जाना चाहिए, 2 टुकड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जब ये ऐसा होगा, आप इसको अगर आप नीचे डालोगे तो पत्थर जैसी आवाज़ आएगी, जैसे कांच टूटा हो। तो बिल्कुल ऐसा जब हो जाएगा तो इमीडिएटली हम गैस ऑफ करेंगे और इसमें हम डालेंगे सोडा। सोडा डाल के फटाफट हिलाना है और इसमें हम डालेंगे चना दाल जो रोस्टेड है, और उसके साथ ही मैं ले रही हूँ कोकोनट जो भी हमारा रोस्टेड है। जल्दी से इसको मिक्स करना है अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक टिन लिया है, उसको ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है और उसमें हम डालेंगे ये, और ऊपर से हम लगाएंगे इसमें कटा हुआ पिस्ता। इसमें हमने अच्छे से सेट करके और इमीडिएट इसको निकाल देना है, और अच्छे से जो पिस्ता है उसको हम प्रेस करते जाएंगे। आप चाहे तो इस पर रोलिंग पिन भी घुमा सकते हैं। टाइटली इसको जो है प्रेस करना है हमने। जैसे थोड़ी सी ठंडी हो जाए, पूरी ठंडी नहीं होने देनी है, गर्म होनी चाहिए लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाए, हमें इसको जिस शेप में कट करना है इमीडिएटली कट करना पड़ेगा। Thank you.